बाघों के संरक्षण और उनकी विलुप्त होती प्रजातियों को बचाने के उद्देश्य से मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर लखनऊ प्राणी उद्यान में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया इस अवसर पर प्रदेश के पर्यावरण मंत्री अरुण कुमार सक्सेना ने कहा कि 150 सालों में बाघों की संख्या में काफी गिरावट दर्ज की गई है बाघ दिवस मनाने का फैसला करते हुए देशों ने बाघों की संख्या को दुगुना करने का लक्ष्य रखा था कई देश इस लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में प्रयास कर रहे हैं हालांकि भारत ने साल दो में ही बाघों की प्रजातियों को दुगना करने के अपने लक्ष्य को हासिल कर लिया है आज अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस है और यह खाली अंतर्राष्ट्रीय दिवस ही नहीं बल्कि गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन है दुनिया के अंदर जितने बाघ हैं उनके पिछहत्तर परसेंट हिंदुस्तान में है और हमारे यूपी के अंदर भी जो रेशियो जंगल का और बाघ का है उसमें हमारा नंबर काफी ऊपर है देश के अंदर जितने बाघ सबसे ज्यादा प्रदेशों में उनमें आठवां नंबर उत्तर प्रदेश का है बाघों का नंबर आज 205 हो गया है जबकि पहले एक था तो मैं कहूँगा बाघों का नंबर जिस तेजी से बढ़ रहा है